डॉक्टर रवि मलिक, इससे पहले भी डॉक्टर्स के साथ पीएम ने बैठक की थी, आपको लगता है कि इसके जरिए एक रास्ता निकलेगा? बिल्कुल रास्ता निकलेगा, उसके बाद मैं अभी जी फौरन आपके पास आ रही हूँ कमेंट के लिए। बिल्कुल रास्ता निकलेगा अंजना जी, और मैं एक मिनट अगर आप मुझे दें तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, छोटी सी बात बताऊं, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखूंगा, 257 पे वी आर निल विद ऑक्सीजन, 100 पेशेंट्स वेयर टू डिस्चार्ज, ये एक हॉस्पिटल, 527 के ऊपर ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक, वेयर टू सेंड दी पेशेंट्स, 330 के ऊपर डॉक्टर साजिद ऑक्सीजन फिनिश्ड, वी हैव 25 पेशेंट्स ऑन HFNC, वेयर टू सेंड देम। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं संबित पात्रा जी आपसे थोड़ा सा, आप छोटे भाई की तरह हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको प्लीज आप थोड़ा सा देखिए, ये वाकई ही मुद्दा बहुत सीरियस है, इट कैन एक्सप्लोड, और जल्दी से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बरकरार होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर रवि, मैं आपकी बात का जवाब उनसे लूंगी, अभय जी भी बोले, अभय जी बोलिए। अजय जी देखिए, अंजना जी मैं बिल्कुल असहमत हूँ हिमांशु की बात से। भारत सरकार को यह पता था कि इतनी भयावहता होगी, तीन स्तर पर, सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी, अमेरिका ने एक साल पहले रिपोर्ट दी थी कि कंसिस्टेंटली भारत ने काम नहीं किया तो 58 करोड़ केसेस तक होंगे। आज तक ने खुलासा किया था 2 फरवरी को सीरोलॉजिकल सर्वे के आधार पर कि 30 करोड़ केसेस आ गए, भारत की सरकार ने ऑफिशियली वो रिपोर्ट छिपा दी। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे थे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी से 3 महीने भारत पीछे है, उनकी जो पहली वेव आई है जून जुलाई में आई है, हमारी पहली सितंबर में आई, उनकी जब पहली वेव का पीक जनवरी में आया तब सब ने कहा था कि अप्रैल में ये हालात होंगे, लेकिन इसकी तैयारी नहीं की। चुनाव में थे 33 रैलियां प्रधानमंत्री जी आपने इन चुनावों में की है, और सिर्फ 11 में 17 मार्च तक की थी, 2021 तक 20 मार्च 2020 से लेकर। आपको चाहिए था अगर आज जो तैयारी आप दिखा रहे पहले कर देते तो आज परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। अंजना जी देखिए, यहाँ पर कहा गया कि जनवरी के महीने से ही अमेरिका कह रहा था, अमेरिका क्यों कह रहा था, मैं आपको कहूंगा कि आप ये देखिए चिट्ठी, देखिए 7 जनवरी का ये चिट्ठी है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को और केरल को भेजा हुआ है, छत्तीसगढ़ को भेजा हुआ है कि आपकी परिस्थिति आने वाले समय पे बहुत खराब होने वाली है, कृपया करके ऑक्सीजन को रैंप अप करिए, कृपया करके आप आइसोलेशन बेड इत्यादि सब तैयार कर लीजिए। 7 जनवरी की चिट्ठी है, आप 27 फरवरी की चिट्ठी देखिए, महाराष्ट्र को पुनः याद दिलाया गया कि आपकी परिस्थिति खराब होने वाली है, और आप मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था साहब, मैं बीच में बिल्कुल, देखिए अभय जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, अभय जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, देखिए प्लीज सर, अंजना जी हमें अमेरिका कुछ बोले आवश्यकता नहीं है, इसी महाराष्ट्र की सरकार को 7 जनवरी को, 27 फरवरी को, 25 उससे पहले 25 फरवरी को मैं 10 चिट्ठी लेके भेजा हूं, क्या क्या करना चाहिए ये सारा कुछ गया था, नहीं हुआ, मगर मैं अभी बैठ के वही सब गिनवाना शुरू कर दूं तो लोगों को क्या लगेगा? संबित जी, बस एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, दो प्रवक्ता बैठ कर लड़ाई, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड, ठीक है, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जो हाईकोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की बात की है, ये 10 दिन पहले आप लोग क्यों नहीं सोच पाए, सरकार क्यों नहीं सोच पाई? मेरा ये कहना है कि आज जब पैरामिलिट्री फोर्सेस गार्ड करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाएंगे, ये सब कुछ पहले क्यों नहीं, इस स्थिति में क्या, एक सेकंड, इस स्थिति को समझने में क्या जो लापरवाही हुई उसकी कीमत जिंदगियों से चुकानी पड़ रही है? अंजना जी आपने ग्रीन कॉरिडोर की बात कही, कल हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीन कॉरिडोर की बात कही, आज से 7 दिन पहले पीयूष गोयल जी का ट्वीट देखिए जिसमें हमने, हमारी सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन आरंभ किया है, और पहला जो खेप गया था वो मुंबई से वाइजैक के लिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से गया। दूसरा आप देखिए, आप वीडियो देख रही होंगी कि ग्रीन कॉरिडोर बना के दिल्ली में भी कल जो मैं 16 ट्रकों की बात कर रहा हूँ वो भी ग्रीन कॉरिडोर बन के ही आए हैं, परसों भी जो ट्रक गए हैं वो ग्रीन कॉरिडोर बन के आए हैं। आप वीडियो ट्विटर इत्यादि में चल रहा है कि किस प्रकार पुलिस गार्ड करके इन सारे टैंकरों को लेकर आ रही है और ग्रीन कॉरिडोर बना के लेकर आ रही है। तो हाईकोर्ट ने जो सुझाव दिया है वो पहले से ही जमीन पे सरकार ने उतारा हुआ है, इंडियन रेलवेज ने भी उतारा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी उतारा हुआ है।